अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत टेस्टी और इजी भी है, जल्दी बन भी जाएगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। मैंने ये एक पतीली में 1.25 किलो चिकन डाल दिया है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम ये 1/2 कटोरी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। क्रश किया हुआ हरी मिर्ची है, ये डाल देंगे। ये करीब 8 से 10 हरी मिर्ची है, ये डाल दिया। और ये हमारे सूखे मसाले हैं, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये शाही ज़ीरा है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये मैंने 7 से 8 हरी इलायची और 8 ही लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, जायफल और जावित्री का एक टुकड़ा लेकर इसको ऐसे दरदरा पीस लिया है। इसको आपको बारीक नहीं करना है, इसी तरह से रखना है। इसी तरह से आप इसको क्रश करके ही डालेंगे, कूट कर ऐसा डालेंगे। ये सब इसमें डाल देंगे। नींबू का रस डालेंगे, 2 नींबू का रस जाएगा। ये मैंने बिरिस्ता बना के रखा है, ये इसमें डाल देंगे। ये मैंने 4 अनियन का बिरिस्ता बना के रखा है, ये इसमें जाएगा। ये तेल है जिसमें मैंने बिरिस्ता फ्राई किया है ना, वो तेल है। ये डाल देंगे पूरा। पाव किलो दही है, दही जाएगा। और ये 3 आलू मैंने ऐसे काट के धो के काट लिए हैं, बड़े साइज़ में। एक आलू में बस 2 ही पीस किए हैं, 3 आलू है, ये भी डाल देंगे इसमें ही। अच्छे से मिला देंगे। इसमें हम थोड़ा पुदीना और कोथमीर डालेंगे। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपने थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने 8-10 काजू लिए हैं और 10 से 12 बादाम लिए हैं, वो डाल देंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर भी डाल रहे हैं, थोड़ा से फ्लेवर के लिए। और ये केवड़ा वाटर है।
अब इसमें हम कोयले का धुआं देंगे। हमने एक कोयला अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालें या मस्का डालें, कुछ भी डालें आप। और इसको ढक देंगे। धुआं देने के बाद इसको एक साइड में रख देंगे पकने के लिए। 2.5 से 3 लीटर पानी है ये मैंने इसको रख दिया है इसमें गर्म होने के लिए। इसमें हम अपने कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे। 1 स्टार अनीस है, 5 से 6 इलायची है, हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। और नमक डाल के इसको पानी बॉईल होने देंगे। हमारा 1.25 किलो चिकन है और 1 किलो चावल है, तो इसके लिए हम 7 चम्मच नमक डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नमक थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा पानी में, फिर ये स्ट्रेन होकर निकल जाएगा तो नमक बैलेंस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हमारा भाप दे के हो गया है, भाप दे के हो गया है हमारा। हम इसे निकाल लेते हैं, फिर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमने भाप दे दिया है, इसको निकाल के एक साइड में चिकन पकेगा और एक साइड में चावल बनेगा। पानी बॉईल हो जाएगा फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमारा पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। ये 1 किलो चावल है, बासमती चावल। इसको हम इसमें डाल देंगे। 15 मिनट पहले मैंने भिगा दिया था अच्छे तरह से धुल के, अब इसी में इसको डाल देंगे। अब चावल उबलने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा 10 मिनट बाद देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। ये देखिए हमारा चावल बॉईल हो गया है। ये अभी पूरी तरह से नहीं पका है, ऐसा है। हम पहली लेयर इसकी इतने ही पके हुए चावल की लगाएंगे कि हाथ से हम तोड़े तो सिर्फ ये आवाज़ करके ऐसे जैसा तो हो जाए, ऐसा दबाने में थोड़ा वो लगे कि अभी इसमें कुछ कच्चा पन है इस तरह सा। तो अभी हम सबसे पहले 1/2 डन चावल की लेयर लगाएंगे। ये चावल को थोड़ा और पकने देंगे, फिर दूसरी लेयर हम लगाएंगे। इसी तरह हम अपना पूरा चावल स्ट्रेन करके उसमें चिकन के मसाले में अपने ऐड कर देंगे और फिर उसे दम पे लगा देंगे। देखिए वो चावल में 30% बाकी था पकने के लिए, इसमें सिर्फ 10% बाकी, ये पक चुका है। ज़रा हल्का सा सिर्फ दम होने का वो है। अब इसको हम डाल देंगे लास्ट लेयर। ये ऑलमोस्ट
फुल कुक चावल है और उसमें करीब सिर्फ 70% ही चावल पका था। अगर आप चावल के दाने को लेके तोड़ के देखेंगे तो वो थोड़ा तोड़ने में बीच से कड़क लगेगा। ऐसा चावल सबसे पहली लेयर में डालना है, फिर उसके बाद दूसरा थोड़ा और 2-3 मिनट पका हुआ चावल वो डालेंगे। उस ऐसे करके पूरे चावल की हम लेयर लगाएंगे। हम अपने सारे चावल डाल देंगे मसाले में और दम पे लगा देंगे। ये देखिए, अब हम अपना चावल दम पे लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक तवे को रख दिया है। अब हम अपना चावल दम पे लगाने के लिए इस पे ट्रांसफ़र करेंगे। और इसमें अगर आपका मन करे तो आप कलर ऐड करिए, नहीं मन करे तो मत करिए। मैं कलर डाल रही हूँ, मुझे पसंद है बिरयानी में थोड़ा कलर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिएगा। और थोड़ा बिरिस्ता डाल के हम इसे दम पे होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, काश आप लोग भी महसूस कर सकते। अब ये दम हो जाएगा, फिर हम आपको प्लेटिंग करके बताएंगे। तो चलिए इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर प्लेटिंग के टाइम पे आपको बताते हैं। हमारी बिरयानी बनके तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारी बिरयानी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनकर तैयार है। प्लीज़ आप अपने घर में ट्राई करिएगा, अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिएगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।